बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम वकास मीर और आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी आदत के बारे में जो कि अगर आपके अंदर है तो आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है इस आदत को बदलें, क्योंकि ये आदत आपकी शख्सियत को, आपकी ज़िंदगी को ऐसे जंग लगाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लोग आपसे दूर क्यों होते चले जा रहे हैं। वो है अपने दुखड़े जो है और अपनी नाकामियां जो है इस लेवल तक ले जाना कि आप सबको ऐसे बताएं कि आपसे ज्यादा मस्कीन बंदा को दुनिया में है ही कोई नहीं। आप अगर किसी बिजनेस में आपका काम सही तरह से नहीं चल रहा तो आप उसके पीछे किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। अगर आपके घर में कोई इशू है तो आप में किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा है तो आप किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। और वो दुखड़ा जो है आप एक से नहीं, दो से नहीं, हर उस बंदे से बोलते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए आपके साथ खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है। ये एक ऐसी आदत है जो कि आपको शायद लग रहा हो कि ये सिंपथी लेने के लिए या फिर अगले बंदे से कनेक्शन बनाने के लिए आपको इस तरह की कोई स्टोरी बतानी पड़ेगी जो कि शायद सच ही हो, लेकिन आप ये याद रखें कि आप कब जब भी किसी बंदे के साथ ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें शेयर करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्राइवेट हिस्सा किसी और के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और अपने रेडियो प्रोग्राम से भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि हर वो बंदा जो आपके साथ बस में बैठा हुआ है आधे घंटे घंटे तक, या ट्रेन में आपके साथ उसे सफ़र करना है 3-4 घंटे तक, आपके क्लास में जाता है, आपके साथ काम करता है, आपके साथ बिजनेस करता है, ये बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने उसको पूरी दुनिया में जितने भी बंदे हैं उसको साइड पे करके अपनी सारी ज़िंदगी उसके सामने खोल के रख दी। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आप एक बाउंड्री रखें अपनी ज़िंदगी में कि किस किस बंदे के साथ मैंने क्या क्या बात करनी है। हर बंदे के साथ हर बात करने वाली नहीं होती। अगर आप उस बंदे को जानते भी हैं तो ज़्यादा शेयर कर देंगे, बाद में अगर नाचाकी होती है या फिर कोई सलाम दुआ ख़त्म होती है फिर आप कहेंगे ओह मैंने क्या कुछ बता दिया उस बंदे को। इसके अलावा भी वैसे भी आदत अच्छी नहीं होती। अपनी ज़िंदगी के उन मराहिल को, उन सिचुएशंस को जो कि सिर्फ आपकी ही होनी चाहिए, जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स में एक दो बंदे को पता होनी चाहिए, वो हर बंदे को बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर नाकामियों की बात है तो वो तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही देख लेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। और वैसे भी लोगों को क्या इस चीज़ का, आप अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उनको अपने तक है।